मुझे बेवकूफ बनाते वक्त तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी? क्यों करवाया तुमने मुझसे ये? क्यों करवाया बाप? क्या तुम नहीं जानते थे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? फिर भी तुमने उस अय्याश आदमी को अपना दिल दिया। मेरी बेवफा मोहब्बत का इतना बड़ा मजाक तुम्हें तो मैंने बुक कर दिया, और मेरा क्या होगा जिसमें होगी? और मेरा क्या होगा? क्या हो गया पापा? ये तो आप ही का चेहरा है। अब तो मुझे चिंता हो रही है पापा, आप ठीक तो है ना? आप क्यों रो रहे हैं? रोना तो मुझे चाहिए। अरे पापा, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज वो दिन आ गया है। यस जय, और कितनी देर लगाओगे? अब और इंतजार नहीं, मैं आ गया हूँ। तो ठीक तो है, चिल्ला क्यों रहा है? जी तो करता है कि बिल्डिंग के टेरेस से चीख चीख कर चिल्लाऊं। क्या जय, खाना खाने बैठ जाओ। ओह कैसा खाना जी, अब तो बस राजू है और उसकी प्यास है। हाँ जी हा? क्या मजा रहा है पुत्र? मजाक कर रहा है जय बेटा, इसकी तो आदत ही है। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं। हाँ जय, सचमुच खाना खाने बैठ जाओगे या नहीं? कल ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें? ऑफिस? कैसा ऑफिस? हम कल से नौकरी छोड़ रहे हैं, समझी? क्या, अरे क्या बोल रहे हो जय बेटे, तुम क्यों नौकरी छोड़ोगे? अच्छा है, छोड़ने तो नौकरी हा? अब कल आइए इसे है? अब ये लुधियाने में अपने बाबूजी के साथ स्पेयर पार्ट के धंधे में हाथ बटाएगा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ पुत्र? नहीं डैडी नहीं, मैं कल से नौकरी छोड़कर वो करने जा रहा हूँ जो मुझे बरसों पहले करना चाहिए था। क्या? मैं एक्टर बनूंगा। जय तुम बिल्कुल पागल हो यार। नहीं तो क्या? मैं सच बोल रहा हूँ गाँव वालों, तुम लोग नहीं जानते मुझ में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है जिसे मैंने बस दबा कर रखा। मैं सचमुच में एक्टर बनूंगा। नो मोर प्रेसिंग ऑफ टैलेंट। यस जय, प्रॉमिस करो तुम मजाक कर रहे हो। आई एम सीरियस बेबी। अरे हाँ जय, नाउ सीरियसली सिट एंड हैव योर डिनर। अरे तुम तो आजाद हो गई हो, पर मेरा क्या होगा? मैं तो यूं ही तड़पता रहूंगा चंद्रमुखी। जय मैं तो क्या है? तुमने ये एक्टिंग का शौक कब से पाल लिया? अरे अमृता मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं बड़ा होकर एक दिन एक्टर बनूं, लेकिन क्या करूं, हिम्मत नहीं हुई। जानती हो अमृता, आज जब मैंने उस एक्टर को देखा तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर सकता हूँ। हाँ अरे अपनी बीवी को मारने के बाद कोई ऐसे रोएगा? अब देखो इमेजिन करो कि मैं तुम्हें मार डालता हूँ। तुम्हें ऐसे भी ख्याल आते हैं? थैंक्स अ लॉट अमृता, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। मेरे कहने का मतलब ये थोड़े है कि मैं तुम्हें समथिंग रॉन्ग या जस्ट टॉक टू मी, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। यार तुम लोग मुझे पागल क्यों समझते हो? पापा हम ऐसा सोच नहीं रहे, यकीन है हमें। देखो अमृता, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे जरूरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आज मेरी जिंदगी में वो वक्त आ गया है। यस अमृता यस, दैट्स व्हाट ग्रोथ इज ऑल अबाउट। जय यू लुक सो कन्विंस्ड, तुमने इसके बारे में ठीक से सोचा है ना? अरे अब मुझे कुछ नहीं सोचना अमृता, नाउ नोबडी स्टॉप्स मी। यस अरे बाप रे, एक बात कहूं? हाँ किसी से कहिएगा नहीं। अरे बेझिझक कह डालिए, मैं किसी से नहीं कहूंगा। क्या है ना, मैंने कल रात काफी देर तक सोचा, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी जवानी में एक्टिंग का बहुत शौक रहा है जी, लेकिन मैं बाथरूम में शीशे के आगे ही बस कर सका और कुछ। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, समझी जी
समधी जी भी एक्टिंग करना चाहते हैं। आपने कहा था किसी से कहेंगे नहीं, धोखेबाज कहेंगे। अरे गुस्सा, आप गुस्सा मत कीजिए। देखो मैं भी आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, मुझे भी नाटक का शौक है। आपको भी संतोरानी सुना। लेकिन एक बात है, आप में और मुझ में फर्क है। मैंने अपने कॉलेज के लिए 2-3 नाटक लिखे थे, उन्हें डायरेक्ट किया था। आपने कभी कुछ किया है? आप क्या समझ रहे हैं, अब मैंने भी अपने गांव की रामलीला में हिस्सा लिया है। अच्छा? कौन सा पार्ट किया था आपने? अरे वानर सेना में से एक वानर बना था मैं। फिर तो आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। अरे हंसिए मत। हाँ हाँ, आप क्या समझते हैं, आप बहुत बड़े हीरो हैं, जय की शराब ना हो तो। इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है? और तू किससे बात कर रहा है, हमसे कोई या ऐसी कुछ? कल ही से आप एक नाटक लिखेंगे, उसमें इमोशन होगा, ड्रामा होगा और ट्रेजेडी होगी, और उसमें पार्ट लेंगे आप, डैडी और मैं, यू नो, ऑल इन द फैमिली। यस 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 यस, आइडिया में सॉलिड दम है। बिल्कुल, मैं कल से ही नाटक लिखता हूँ। राइट पता है, मैंने भी रोल दिला। ओहो, तू भी हीरोइन बनेगी? क्यों नहीं, जब आप इस उम्र में ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ हाँ, इनके लिए भी एक रोल लिख दीजिए ना, अब इस उम्र में मैं आपके लिए थोड़ी स्टेज पे काम करूंगी। अरे तुम्हें किसने कहा स्टेज पर आने को? पता है आपको, कॉलेज के जमाने में सब लोग मुझे दुर्गा खोटे करके बुलाते थे। अरे वो असली हीरोइन थी, तुम जैसी नहीं, ये दुर्गा खोटी है। बाबा बाबा, कल से लिखना शुरू और फटाफट खत्म, और उसके बाद रिहर्सल शुरू। भाई हो गया खत्म? देखिए संदी जी, ये आपके गराज की स्टेपनी नहीं है कि फिट कर दिया हो गया, ये क्रिएटिव लोगों का काम है। अरे बोलो ना, और कितना बाकी है? बस लास्ट सीन है। लास्ट सीन इतनी जल्दी? मैं सोच रहा हूँ अंत में किसी को मारना पड़ेगा। क्यों जी? क्योंकि ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी में कोई मरेगा तो ही ट्रेजेडी बनेगी ना। हाँ हाँ, वरना लोग तो इसे कॉमेडी समझ बैठेंगे। तो फिर कौन मरेगा? कौन मरेगा, कौन मरेगा? देखो जय बेटे, कहानी में ये दो बनेंगे तुम्हारे असली माँ बाप, और हम हैं वो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज ये दो तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन तुम उनके साथ जाना नहीं चाहते, उनकी दौलत शौहरत सब ठुकरा कर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो। मेरे हिसाब से सदमे से तुम्हें मरना चाहिए। मैं? हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं, कहानी भी लिखी तो ऐसी है जिसमें मुझे मार सको। नहीं जी, हरगिज नहीं, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा कीजिए, आप मर जाइए। मेरे मरने से क्या होगा? वो सब मुझे नहीं पता, मैं नहीं मरूंगा बस। जय पुत्र, तू समझा दे इनको। ठीक है ठीक है, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। हाय रब्बा, शुभ शुभ बोल पुत्र, शुभ शुभ बोल। तू बैठ जा 2 मिनट। पर ये तो ड्रामा है माँ। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है, ये हम सबका दर्द नहीं देख सकता और आत्महत्या कर लेता है। वाह वाह, क्या क्या आइडिया है। जय जय, क्या हुआ तुम्हें, कुछ तो बोलो। ये कुछ नहीं बोल रहा जय। ये तो मर गया है बहू। क्या शंकर बेटे, ये तूने क्या किया, हमें छोड़कर चला गया। शंकर? हाँ शंकर। अरे that's how the play ends। हाँ कैसा लगा? Quite nice। अच्छा लगा। दोबारा करते हैं। एक बार फिर कर ले। बेचारा देव, न जाने क्या क्या देखना पड़ता है उसे, है ना? जाए। सत्या भाई, आज मुझे देर हो जाएगी, तुम दोपहर का खाना बना कर जाना, नहीं तो इनको होश ही नहीं रहेगा। मैडम, इस घर में किसी को किधर होश है, जो है वो एक्टिंग में बात कर रहे ले, कर रहे ले। सत्या भाई, तुम्हें क्या हुआ है? नहीं मैडम, मैं बोल रही थी जिसको खाना खिलाओ सब एक्टिंग में बोल रहे ले। इसीलिए मैंने बातचीत बंद कर रखी है। मैडम मैडम, आप साहब को बोल के मेरे को रोल दिलाओ, मेरे को भी एक्टिंग आती है। मैडम एक्टिंग मेरे को भी आती है। सत्या भाई देखो मैडम, मैं बोलती है, मैं ना ये महीने का पगार नहीं लेगी, कसम से पगार नहीं लेगी, मेरे को
बात ऐसा समझते हो? बिल्कुल नहीं, एक परिवार में इतने सारे पागल काफी है। तुम भी उनके साथ मिल गई तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। रोल चाहिए। बहुत खुश हो गया ना आज तुम, क्योंकि तुमने जो लिखा है वही चुमेरे को करने का, भांडे घिसने का, कपड़ा धोने का और ये बाजी काटने का। एक्शन। हम ही तेरे असली माँ बाप हैं। हमने तुझे हमेशा अपना ही माना। इस छोटे से घर में तुझे क्या मिला है? और क्या मेरी ममता की कोई कीमत नहीं है? ये कैसी इंतहा है मेरे जज्बातों की? हमारे साथ चल, मैं मर रहा हूँ बाबू। मेरे घर में इतने सारे बुरे एक्टर्स, जी चाहता है चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। बुरी खबर है, कुल मिलाकर 5 टिकट बिके हैं। सिर्फ 5? सिर्फ? अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इतने सारे लोगों ने टिकट खरीदे कैसे। तो क्या ये नाटक हम सिर्फ 5 लोगों की ऑडियंस के सामने पेश करेंगे? मुझे तो अभी से उन 5 के लिए दुख हो रहा है। यानी कि आर्टिस्ट भी 5 और ऑडियंस भी 5? इतने रिहर्सल के हम लोगों ने? पुत्र, हो सकता है कि कल तक कुछ और लोग टिकट खरीद लें। अरे जब कल तक कुछ नहीं हुआ तो आज क्या होगा? कल कुल मिला के और 2 टिकट बिक जाएंगी। 2? पापा यू मस्ट बी जोकिंग। मैं एक सजेशन दूं, अब टिकट्स बिकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इट शुडंट गो वेस्ट। तो ऐसा करते हैं, हमारे जान पहचान वालों को बुला लेते हैं, ऑडियंस भी रहेगी। मम्मी, जान पहचान वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? दैट्स अ गुड आइडिया, हम अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हैं, वैसे भी फ्री में तो कोई भी आएगा। हाँ। अच्छा अमृता, तुम एक काम करो, अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला लो। मम्मी को अपनी सहेलियों के सामने नाक थोड़ी कटवानी है। और लेना साहब ने राजेश को बोले ला है कोई भी कीमत पे टिकट बेच के आने को, नहीं तो साहब उसको नौकरी से निकाल डालेगा। बेचारे गाड़ी अंकल। वो साहब, ये देखो सुपर हिट नाटक है जंगली पंछी की मौत, 50 रुपए टिकट है, मैं 20 रुपए मेरे दाऊ को, ये देखो डिस्काउंट है, 70 रुपए में ले लो, अरे 5 रुपए में ले लो, अरे एक तो टिकट ले लो साहब, ऐसा मत करो साहब, 1 रुपए वड़ा पाव खाने को दे साहब, 1 रुपए वड़ा पाव खाने को। अरे साहब काय का यार, काय का साहब यार, तू मेरे साथ आएगा, मैं तेरे को एक नाटक दिखाता हूँ, बिल्कुल मुफ्त, तू अपने सारे दोस्तों को लेकर आ, जाना जाना यार, जल्दी जाना। अरे क्या है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और नाटक दिखा रहा है? नाटक दिखेगा, चलना अंदर, आराम से बैठने का एसी है, आराम से बैठ के सब लोगों को अभी नाटक देखने का, बाद में नाश्ता और चाय भी है। अरे तू मेरी बातों का विश्वास कर यार, मैं तेरे सामने भीख मांगता हूँ, चलना अंदर। चल यार, जिंदगी में पहली बार कोई मेरे से भीख मांग रहा है, तू चल, मैं अपने दोस्तों को ले आया। जल्दी जा, जल्दी जा, नौकरी फंस गई। तुम्हारे घर में और 5 के भाई लोग भी है, उसको भी लेके आने का था ना, तुम उसको बुला के। हाँ राजेश, देखो कैसे कैसे आदमी लोग को लेके आया। राजेश, कैसे लोग लाए हो तुम? राजेश, मैं कैसे लोग को लेके आई और तू कैसे लोग को लेके आया? क्या करूं मैडम, कोई आने को तैयार ही नहीं था, और इससे तो वो लोग अच्छा है, तेरे बाजू में नहीं आके बैठा है, बैठा है। भाइयों और बहनों, Family Troop presents। अरे ये शंकर, चल खाना खा ले, थक गया होगा, चल। नहीं माँ, तुम बाबा को भरोसो, मैं अभी काम खत्म करके आता हूँ। लगता है हम पहुँच गए हैं हमारी बेटी का गांव। हम शहर से आए हैं। शंकर नाम का कोई रहता है यहाँ? हाँ है ना, ये मेरा बेटा शंकर। मैं हूँ शंकर। हाँ। कहिए क्या काम है? मेरा बेटा। कौन है औरत, हटाओ उसे। अरे ये मैडम, ये तो मेरा बेटा है शंकर। राजेश, क्या चल रहा है ये? 18 साल से इंतजार किया है। ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है यहाँ हो रहा है। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग जो हमारे पुत्र को हमसे अलग करना चाहते हैं? हम कौन हैं ये तुझे अभी पता चल जाएगा गरीब किसान। याद है, याद है राजेश, क्या चल रहा है ये? तो क्या मैं तेरे को बोल रहा था, चल चंदन में, चल बिजली जोरों से आग लगा दूंगा। राजेश खन्ना वाला नहीं सुना, अब ये देख पकाऊ नाटक। बेटा ये सच है? ये पका मत, बंद करना। बेटा ये सच है कि जन्म से तू
हमारा बेटा नहीं है। ये बुड्ढे धोती संभाल। हमेशा तुझे अपना ही माना है। लेकिन ये खुशी हमारे हिस्से की थी जिसे आप लोगों ने हमसे छीन लिया है। बुड्ढे जाना, क्यों पका रहा, सर दुखा रहा इधर। बेटा तुझे यहाँ इस हाल में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अरे मैं स्टेज पे रहती थी ना, यहाँ इस छोटे से घर में तुझे क्या मिला है? हैं? यहाँ, यहाँ, यहाँ मुझे माँ मिली है। शंकर बेटे, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। जाना बुढ़िया, जा, चल इधर। ये तू कहाँ गया? माँ जी को बुढ़िया बोलता है। मैं 18 साल से अपने बच्चे को सीने से लगाने के लिए तड़प रही हूँ, और मैं क्या करूँ? ये कैसी इंतहा है मेरे जज्बातों की। शंकर बेटे, अपने माँ के आंचल की लाज रखना तेरे हाथ में है। बेटा तू हमारा इकलौता वारिस है, हमारे साथ चल। मैडम, देव, मैडम, देव ऊपर स्टेज पे। मेरे डायलॉग से पहले चीखना मत। आप चीख क्यों रही हैं? डायलॉग बोलिए ना, डायलॉग बोलिए। समझ गई, अच्छा देखो। ये देखो कौन आया है। हाँ, सोचने की बात तो ये है कि ये है कौन है। अरे पुत्र, ये अपने देव पुत्र है। देव देव कौन? देव देव यानी कि देव देवता, भगवान है ना। अच्छा भगवान, भगवान, आप हमारे गरीबों की झोपड़ी में आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ, पहन दे दो छोटे भगवान जी को। इली मिली भगवान जी। छोटा भगवान है ना, इसलिए ऐसे पुकार। भगवान जी को कैसे पुकार रही है, लोग जूतियां मारेंगे। भगवान चुप, हमारे पास क्यों आए? वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी नन्ना शिशु किसी एक का नहीं, सबका होता है। यानी कि शंकर भी सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका। हाँ हाँ, ये देख, मैंने कहा था ना तुझे पढ़वाई जी। अरे देख लो भाई, हमारे साइज का तो नहीं है। जय, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ बस। ओहो, पापा फिर से कल ऑफिस जाएंगे? नाटक के बहाने घर पे तो रहते थे। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा हो तो मत ज्वाइन करो। तो और क्या करूं, इट वाज सच अ बिग डिजास्टर यार। इट्स ओके, इट हैपेंस, इतना बुरा नहीं मानते। अरे पर लोग तो मुझे बेवकूफ कहेंगे ना, कहेंगे देखो जय हाँ हीरो बनने चले थे। कहने दो। क्या मम्मी, अगर आप पापा का दुख दूर करने की कोशिश कर रही हैं, तो बहुत बेकार कोशिश थी ये। Look at it this way, तुम उन लोगों में से हो जिनमें हिम्मत है, जो अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। ऐसे कितने लोग होते हैं जय, सभी तो अपनी ख्वाहिशों को दबाकर जीते हैं। तुम कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ, you at least tried, didn't you? क्या बात है मम्मी, मान गए। या? या। पर मनी मन तो तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही होगी ना, कहोगी देखो मेरा स्टूपिड फ्लॉप पति। छी जय, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ प्लीज। पापा शुक्र मानिए कि मेरा भी मुंह नहीं खुलता, वरना